हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज 4 मार्च 2018 को SSC CHSL का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और शिफ्ट वन के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम आज ही मॉर्निंग में कंप्लीट हुआ है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स यू नो स्टार्ट ऑन दिस। ओके, बिफोर दिस दोस्तों, मैं अब कुछ यू नो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन सबसे डिस्कशंस कर रहा था, कई सारे फोरम्स में अभी और ग्रुप्स पे पढ़ रहा था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यू नो जो एसएससी की प्रॉब्लम भी चल रही है, एग्ज़ाम्स के सीट्स को यू नो खरीदा जा रहा है, ऐसी इस तरह की न्यूज़ को लेकर काफ़ी परेशान चल रहे हैं दिल्ली में। इसके लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट भी चल रहा है इस सारे इश्यूज़ को लेकर। देखिए, इसकी वजह से एग्ज़ाम जो यू नो एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखिए ऐसा ना करें। ये सब यू नो पार्ट ऑफ गेम है, कई बार हो जाता है। इस तरह की चीज़ों से डिमोरलाइज करके आप अपने स्टडीज़ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये एक अकेला एग्ज़ाम नहीं है SSC, गवर्नमेंट जॉब को के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, टारगेट हैं। आई अंडरस्टैंड कि एस्पिरेशंस होती हैं स्टूडेंट्स की, उसको एक यू नो धक्का लगता है या हर्ट होता है ऐसी चीज़ों से, और ख़ासकर वो स्टूडेंट जो काफ़ी टाइम से इसको सीरियसली प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनके लिए काफ़ी डिमोटिंग फैक्टर होता है। बट यू नो कंसीडर दिस एग्ज़ाम्स की जो आप तैयारी करते हैं वो एक जर्नी की तरह है, ठीक है। हम डेस्टिनेशन पे कहाँ पर पहुँचेंगे, कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम को में सेलेक्ट होंगे, ये एक सेपरेट चीज़ होती है। डेफिनेटली यू नो रिज़ल्ट सबके लिए मैटर करता है, लेकिन जो जर्नी है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। सभी एग्ज़ाम्स इंपॉर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम्स को दीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, आपका इवेल्युएशन सेल्फ इवेल्युएशन चलता रहे। सो आई विल अप्रिशिएट कि आप एग्ज़ाम को दीजिए, दिस इज माई व्यू, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद द यू नो क्वेश्चंस व्हाट वी गॉट इन द फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद द चाइना। तो जो चाइना है कंट्री है, उसके साथ जो सबसे नेबरिंग कंट्री सबसे ज़्यादा बॉर्डर बनाती लेंथ का बॉर्डर शेयर करती है वो है मंगोलिया। सेकेंड क्वेश्चन है विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बैकेलाइट। सो बैकेलाइट की प्रॉपर्टी पूछी गई है, जो ऑप्शंस में थे वो मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो जो बेस्ट यू नो बैकेलाइट की प्रॉपर्टी मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ कि लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और हाई रेजिस्टेंट टू हीट होता है, ठीक है। तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी तेज़ी से पास होती है, लेकिन जो हीट जनरेशन होता है उसके लिए काफ़ी हाई रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से वो मेल्ट आउट नहीं होता है। ऑलराइट, सो इट एंड इट इज़ अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, हैव अ हाई स्ट्रेंथ एंड रिटेन इज शेप्ड आफ्टर मोल्डिंग। तो मोल्डिंग के बाद वो शेप भी रिटेन कर लेता है। तो दीज आर सम यू नो वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रिटिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बैकेलाइट। आई होप के यू नो जो ऑप्शंस भी रहे होंगे उसमें से आपका आंसर इसमें मिल जाए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो यहाँ पे डेफिनेशन पूछी गई है। तो एक जो जनरल डेफिनेशन होती है फ्रिक्शनल फोर्स की, वो होती है कि अगर टू ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी आपस में सरफेस कॉन्टैक्ट में आ रही हैं और वो स्लाइड कर रहे हैं अगेंस्ट ईच अदर, तो विद इन दैट यू नो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो बेसिकली सरफेस के टेक्सचर्स और अमाउंट ऑफ फोर्स जो यू नो दोनों ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहे हैं उनके बीच में अमाउंट ऑफ फोर्स कितना लग रहा है उस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ एंगल और पोजीशन जो होती हैं ऑब्जेक्ट की, उससे भी क्या नाम जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके अमाउंट का यू नो डिपेंड करता है। सो आई होप के यू नो दिस विल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, वेयर इज द डिचिगम नेशनल पार्क। तो विद इन इंडिया डिचिगम नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है ये पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। वर्ल्ड्स एज डे कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बेसिकली ये इसकी फुल फॉर्म है SMTP की। तो SMTP जो होता है ये यू नो IT के फील्ड में जो ईमेल्स हमारे प्रोसेस चलते हैं, ईमेल हम लोग करते हैं, वो इस SMTP प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फिजिकल डेफिसिट। तो देखिए, गवर्नमेंट हर साल फिजिकल डेफिसिट की अपनी पूरी अनाउंसमेंट करती है जब अपना बजट और यू नो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह लॉन्च करती है। तो बस फिजिकल डेफिसिट होता क्या है, बेसिकली जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त हुआ, ठीक है, और जो गवर्नमेंट ने खर्चा किया उसके बीच का डिफरेंस होता है फिजिकल डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द सर्कुलर मोशन। तो फिजिक्स की अगर डेफिनेशन में कहा जाए, सर्कुलर मोशन इज द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर अगर ऑब्जेक्ट मूव करता रहे तो उसे सर्कुलर पाथ में उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। इट कैन बी यूनिफॉर्म और विद द
एंगुलर रेट ऑफ रोटेशन, तो ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है और विद इंक्रीजिंग रेट भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट विन अ द्रोणाचार्य अवार्ड। तो दोस्तों देखिए एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन नहीं मालूम, मुझे इनफैक्ट ये भी डाउट है कि शायद नॉट पूछा गया था कि नहीं, कि ये पूछा गया था विच हैव वॉन द द्रोणाचार्य अवार्ड। तो 2017 में जो भी यू नो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज है जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था, मैंने उन सबके नाम यहाँ मैंशन किया है, लाइक डॉक्टर आर गांधी जिनको एथलेटिक्स के लिए मिला था, हीरानंद कटारिया कबड्डी के लिए, जी एस एस वी प्रसाद बैडमिंटन के लिए, ब्रिजभूषण मोहंती बॉक्सिंग के लिए, पी ए राफेल हॉकी के लिए, और संजय चक्रवर्ती शूटिंग, और इसके अलावा रोशन लाल जी रेसलिंग के लिए। तो आप इन ऑप्शंस को देखते हुए आई बिलीव यू विल एबल टू फिगर आउट कि आपने यू नो कौन सा ऑप्शन सही सेलेक्ट किया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु किल्ड बहादुर शाह। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ज़रूरत थी कि ऑप्शंस अगर सामने होते तो मैं ज़्यादा अच्छे से इसको आंसर दे पाता, क्योंकि बहादुर शाह के कंटेक्स्ट में ऑप्शंस के बिना यहाँ पे डिसाइड करना मुश्किल है कि बहादुर शाह कौन सा है, किस बहादुर शाह जफर की बहादुर शाह की बात कर रहे हैं। देखिए जैसे बहादुर शाह जफर है जो कि मुगल एम्परर थे, लास्ट मुगल एम्परर, ये बेसिकली जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको कैप्चर कर लिया था, और 1862 तक ये बेसिकली रंगून की जेल में रहे थे, और रंगून में ही फिर ये मर गए थे अपनी नेचुरल डेथ, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट की वजह से। लेकिन एक बहादुर शाह वो भी हैं जो अपनी यू नो गुजरात में जो क्या नाम जो जिनकी सल्तनत थी वहाँ के सुल्तान थे ये मुजफ्फराइद डायनेस्टी के, और इनका पूरा नाम था कुतुबुद्दीन बहादुर शाह। अब इनकी डेथ बेसिकली हुई थी पुर्तगीज़ के साथ यू नो टसल के दौरान, पुर्तगीज़ ने बेसिकली इनको मार दिया था जब ये लोग पुर्तगीज़ के शिप पे थे, कुछ डीलिंग वगैरह कर रहे थे उस टाइम पुर्तगीज़ ने इनको मारा था, ठीक है। तो एग्जैक्टली किस बहादुर शाह की जफर की बात कर रहे हैं ये थोड़ा सा मुश्किल है मुझे बिना ऑप्शंस के, तो आई विल अप्रिशिएट अगर आप मुझे ऑप्शंस बता सके तो मैं शायद आपको करेक्ट आंसर बता पाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कार्ल लिनालियस आल्सो नोन एज द कार्ल वॉन लेनी इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो कार्ल लिनन इज द पर्सन जिसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी माना जाना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ और क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आया हुआ है आईटी प्रोसेसर के ऊपर जिसके ऊपर मुझे पूरी डिटेल मालूम नहीं है कि क्वेश्चन क्या है या फिर ऑप्शन क्या है। सिमिलरली एक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ऊपर आया था, सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन आया था, और एक डांस फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आया था। बेसिकली आई बिलीव के 4 डांस फॉर्म दिए हुए थे और वो कहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं इसका कुछ मैप करना था। तो अगर दोस्तों आप मुझे एग्जैक्ट आंसर या ऑप्शन बता पाएं तो आई विल बी रियली अप्रिशिएट, मैं अपने यू नो नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर इंक्लूड करूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट वाइल एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम। तो देखिए जो ऑप्शन दी गई थी उसके हिसाब से जो हाउसवाइफ्स होती हैं घर में जो काम करती हैं वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं अपने घर में, नेशनल इनकम है उसको एस्टिमेट करते हुए उस तरह की जो सर्विसेज हैं वो इंक्लूड नहीं की जाती हैं एस्टिमेशन के दौरान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीज़न फॉर पैरेलल इकोनॉमी इमर्जेंस। तो किसी भी कंट्री के अंदर जब पैरेलल इकोनॉमी होती है वो क्यों यू नो उसकी शुरुआत होती है, वो इमर्ज क्यों होती है, इसका रीज़न पूछा गया था। तो वो था टैक्स एवेजन, जब लोग टैक्स देना बंद चोरी करना शुरू कर देते हैं, टैक्स प्रॉपरली गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, तो वहाँ पे एक जो ब्लैक मनी यू नो प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है और उसी को हम कहते हैं पैरेलल यू नो इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यू नो इंडिया के अंदर जो खेती के लिए एरिया है जो बोया मतलब क्रॉप जहाँ पर बोई जाती है वो एरिया इंडिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली कितना है। तो वो बेसिकली 14 करोड़ हेक्टेयर एरिया है जिसमें खेती की जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, जो MSME एक्ट है बेसिकली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट, ये किस ईयर में पास किया गया था। तो देखिए दोस्तों ये 2006 में पास गया था और अभी रिसेंटली इसमें कुछ यू नो एनडीए गवर्नमेंट कुछ अमेंडमेंट भी लेकर आ रही है, तो वो करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो डिस्कशन, तो खैर वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि 2011 की जो जनगणना है या सेंसस ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिटीज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो यहाँ सिटीज की बात की गई है, स्टेट्स की बात नहीं की गई है, ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। तो दिल्ली एंड मुंबई इज द यू नो पेयर, एक्चुअली जो ऑप्शन दी गई थी उनमें से जो पेयर है वो दिल्ली और मुंबई का है जो हाईएस्ट पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द स्टेट इज एवरीवेयर।
इट लीव्स हार्डली अ गैप, ये जो स्टेटमेंट है ये किस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है? तो बेसिकली ये वेलफेयर जो स्टेट है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़े हों या फिर अपने हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसके अंदर वेलफेयर स्टेट का यू नो कंसेप्ट आता है, और दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट द स्टेटमेंट इज़ एवरीवेयर, इट लीव्स हार्डली अ गैप, एक परफेक्ट स्टेटमेंट है टू एक्सप्लेन द वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट का। ऑलराइट, लेट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द रिपोर्ट ऑफ सेकेंड अमेंडमेंट रिफॉर्म कमीशन सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन इज आइडेंटिफाइड एज अ बैरियर टू द गुड गवर्नेंस इन इंडिया। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, और उसके अंदर एक बेसिकली यू नो ये डिस्क्राइब किया गया है कि सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन जो अप्रोच है वो बेसिकली बैरियर है फॉर द गुड गवर्नेंस इन इंडिया। ये यू नो पूरा इसके ऊपर एक यू नो टॉपिक डिस्कस किया गया है। तो ये बेसिकली किस रिपोर्ट के अंदर, किस रिपोर्ट का पार्ट है? तो ये 12th रिपोर्ट का पार्ट है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस शेड्यूल के अंदर बेसिकली स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की पूरी लिस्ट दी गई है? तो ये जो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडिया है उसके अंदर सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की पूरी लिस्ट दी गई है। तो फर्स्ट शेड्यूल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो हाईकोर्ट के जजेस होते हैं उनको ट्रांसफर्स करने का, एक हाईकोर्ट यू नो एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो किसके पास है? तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25th, के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस आर्टिकल में बेसिकली इंश्योर किया गया है फ्रीडम ऑफ प्रेस? तो देखिए ये है बेसिकली आर्टिकल 19, जहाँ पे फ्री यू नो स्पीच एंड एक्सप्रेशन वगैरह की पूरी फ्रीडम दी गई है, उसी के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इंक्लूड होता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 26th है, हु वॉज द फर्स्ट तिरंकारा ऑफ जैनिज्म? तो जैनिज्म के फर्स्ट तिरंकारा हमें बताने हैं ऋषभ देव इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, हु वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अटेन द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज? तो देखिए जो चंद्रगुप्त वन थे, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले गुप्ता डायनेस्टी के अंदर महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो जो टाइटल था महाराजा धीराज का, वो गुप्ता डायनेस्टी जो पूरी चली थी उसमें सबसे पहले अटेन किया था चंद्रगुप्त वन ने। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन बैटल ऑफ चंदावार? तो देखिए मोहम्मद गौरी ने कई बार आक्रमण किए, ठीक है, तराइन की लड़ाई में जब उन्होंने जो 1192 को जब रहे थे पृथ्वीराज चौहान को हराया, उसके बाद उनकी जो उन्होंने हराया उन्होंने लड़ी थी बैटल ऑफ चंदावार, जिसके अंदर उन्होंने जयचंद को हराया था। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 29, देखिए 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस टाइम पे बहादुर शाह को एम्परर डिक्लेयर किया गया था, ये हम सब जानते हैं। बहादुर शाह ने अपने एक यू नो पर्सन थे जिनको उन्होंने टाइटल दिया था साहिब आलम बहादुर, तो वो कौन थे? बेसिकली वो उनके सेनापति थे जिनको उन्होंने टाइटल दिया था साहिब आलम बहादुर, और उनका नाम था भक्त खान। तो भक्त खान ने अंडर लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह दिल्ली से पूरी यू नो कमान संभाली थी ड्यूरिंग 1857। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 30, हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन अगस्त 1925? तो देखिए 1925 में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके यू नो प्रेजिडेंट बनाए गए थे विठल भाई पटेल को, और इनफैक्ट यहीं से शुरुआत हुई थी। विठल भाई पटेल काफ़ी फेमस सेलिब्रिटी हैं और इनको जाना जाता है कि यू नो ही वॉज द पायनियर एज अ स्पीकर ऑफ यू नो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ द अर्थ इन टर्म ऑफ मास एंड फुटप्रिंट? देखिए इन टर्म ऑफ मास एंड फुटप्रिंट पूछा गया है, और लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ अर्थ, तो इसका आंसर है तामू मासे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमोसफेयर मेक रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल? तो देखिए एटमोसफेयर में कई सारी लेयर्स होती है। ऑलराइट, मीजोस्फेयर जैसे 5 लेयर है, देखिए ठीक है, तो उसमें जो सबसे टॉप की लेयर होती है आयनोस्फेयर, ये जो लेयर होती है बेसिकली इसके बाद भी लेयर्स आती हैं लेकिन आयनोस्फेयर इज द राइट लेयर,
जिसमें रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, क्योंकि आइनोस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन जो अर्थ से जाती है वो आइनोस्फेयर में उन पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। इसी वजह से जो आइनोस्फेयर है, विच दिस पर्टिकुलर लेयर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियो कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका। तो देखिए, साउथ अमेरिका के अंदर जो मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड है वो पूछा गया है। तो ग्रासलैंड बेसिकली साउथ अमेरिका के अंदर, अगर आपने पढ़ा हो तो पंपास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड विद इन द साउथ अमेरिका। ऑलराइट, विद इन इंडिया महात्मा गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच वाटरफॉल। तो यहाँ पे देखिए, विच वाटरफॉल पूछा गया, रिवर नहीं पूछा गया है। तो किस वाटरफॉल पे महात्मा गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पड़ता है, हमें ये बताना है। तो ये फॉल है जॉक फॉल। ऑलराइट, लेट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट कहाँ पर मीट करते हैं। तो वो हिल हमें बताना है जहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट मीट करते हैं, तो वो है नीलगिरी हिल। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। बेसिकली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द रिश्ता प्रोजेक्ट। तो एक रिश्ता प्रोजेक्ट है जो कि पर्टिकुलर एक स्टेट गवर्नमेंट चला रही, तो उसका नाम पूछा गया था। तो वो स्टेट गवर्नमेंट है हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन करंट अफेयर का है कि नवंबर 2017 में बेसिकली इंडिया का पहला ट्राइबल एंटरप्रेन्योर समिट हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था। तो वो दंतेवाड़ा में हुआ था, छत्तीसगढ़ में पड़ता है ये। तो ये इंडिया में पहली बार सेलिब्रेट हुआ था, एक तरह से सबमिट थी, एक कॉन्फ्रेंस की गई थी ट्राइबल एंटरप्रेन्योर के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना इज रिलेटेड टू व्हाट। तो ये बेसिकली फाइनेंशियल सर्विस है ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो पाए, जितने भी यू नो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल्स हैं उन सबके लिए फ्री अकाउंट्स वगैरह की योजना इसमें थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना में। और काफ़ी सक्सेसफुल यू नो ये योजना मानी गई थी, जिसमें जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे ताकि सभी लोग यू नो इंकरेज हो अपने यू नो बैंक अकाउंट खुलवाएं, और जो वो अपनी मनी घर में रखते हैं वो बैंक में रखें। इससे यू नो जो मनी है इंडिया के अभी घरों में, हाउस होल्ड मनी है, वो यू नो एक्चुअल इकोनॉमी के अंदर इंक्लूड हो। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन के पर्सपेक्टिव से ये स्कीम है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 है, हु वन द गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2017। तो वो थे एस मीराबाई शानू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40th, हु वन द ब्रॉन्ज मेडल एट द ओलंपिक हेल्ड इन 1952। तो 1952 में जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें जो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे उस विजेता का नाम पूछा गया था, तो वो है केडी जाधव। क्वेश्चन नंबर 41, एक बुक बेसिकली यहाँ दी गई है, द अनसीन इंदिरा गांधी। तो ये जो बुक है द अनसीन इंदिरा गांधी, इसके राइटर कौन है, उनका नाम पूछा गया था। तो डॉक्टर के पी माथुर इज द राइट आंसर फॉर दिस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव साइंड IBSA ट्रस्ट फंड एग्रीमेंट इन अक्टूबर 2017। ठीक है, तो जो कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज है जिन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है आपस में मिलकर, वो है इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। लेट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया वेयर रुपी इज नॉट यूज दैट करेंसी। तो हमें उस कंट्री का नाम बताना है जो इंडिया के नेबर में है और जहाँ पर रुपी नहीं यूज होता है, तो वो कंट्री है बांग्लादेश। ऑलराइट, लेट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर आर डन बाय। तो वो होता है ALU से, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये इसका बेसिकली फुल फॉर्म होती है ALU की। और जितने भी अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो बेसिकली ALU परफॉर्म करता है। ऑलराइट, सो दोस्तों ये थे मेमोरी बूस्ट क्वेश्चंस जो कि यू नो फर्स्ट शिफ्ट ऑफ SSC CHL में पूछे गए हैं। और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ फोरम्स पे ग्रुप से गैदर करने के लिए और भी स्टूडेंट्स से, ताकि मुझे और क्वेश्चंस पता लगे मेमोरी बेस्ड। और जैसे ही मुझे क्वेश्चंस पता लगते जाएंगे मैं उन पे वीडियो बनाकर आपके पास लाता रहूँगा। और क्योंकि ये एग्ज़ाम्स अभी चलते रहेंगे यू नो, और जैसे जैसे डेज बाई डेज शिफ्ट वाइज एग्जाम होते रहेंगे, मैं कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मिले यू नो मैं आपसे शेयर करूँ, उनके आंसर शेयर करूँ, सो दैट एवरीबडी विल गेट हेल्प आउट ऑफ इट। तो दोस्तों आई विल अप्रिशिएट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता जाऊँगा उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएगी विदाउट डिले। एंड यू नो वट एवर आंसर विल प्रोवाइड दैट विल हेल्प यू टू यू नो एसेस के एंड इवेल्युएट के हाउ यू हैव परफॉर्म्ड इन द एग्ज़ाम। सो यू नो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।